गुना दौरे पर आए मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, जो जमीन की कीमत 20 लाख रुपए बताई जाती है, आधे घंटे बाद वो जमीन 2 करोड़ रुपए में बिकती है। इससे साफ जाहिर होता है कि लेने वाले वही, खरीदने वाले वही, गवाह भी वही। इस घोटाले की न्यायिक जाँच होना चाहिए और जमीन को रमाया ट्रस्ट को सौंप देनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 1970 से लेकर आज तक विश्व हिंदू परिषद ने जो चंदा इकट्ठा किया है, उस चंदे का हिसाब आज तक नहीं दिया है, इसकी जांच होना चाहिए। भाई, जो आधे घंटे में 9 गुना बढ़ जाए, 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में, और बेचने वाले वही, खरीदने वाले वही, और गवाह वही, और चंपत राय जी से पूछते हैं तो कहते हैं आरोप लगते रहते हैं, हम कुछ चिंता नहीं करते। अब मोदी जी, आप इसके पेट्रन हैं, संरक्षक हैं। आपने, हमने तो शुरू से कहा था कि ये काम जो है नेताओं का नहीं है, मंदिर निर्माण नरसिम्हा राव जी ने रामालय ट्रस्ट का गठन किया था, जिसमें सारे देश के स्थापित प्रमाणित मान्यता प्राप्त शंकराचार्यों को उनमें रखा था। रामालय ट्रस्ट में सबके दस्तखत हैं, रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख हैं, उनको उसमें रखा था, उनके दस्तखत हैं। नित्य गोपाल दास जी, इनको जो अध्यक्ष बनाया, वो भी उसके अंदर मेंबर हैं। निर्मोही अखाड़ा, जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है, वो भी उसके अंदर थे। उनको न रख के चंपत राय को जो रख दिया, चंपत राय जी का क्या लेना देना धर्म से? ये हमारे धर्म गुरु हैं क्या? विश्व हिंदू परिषद में एक के दो करते रहे ना, तो 1400 करोड़ का पहले हिसाब दिया, अब दे रहे। गुना से रणधीर चंदेल की ये रिपोर्ट।